उपसर्ग प्रत्यय अर्थात प्रीफिक्स और सफिक्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हिंदी और संस्कृत में तो इसको आप आसानी से जानती हैं। किसी शब्द के पहले लगने वाला जो शब्द होता है वो उपसर्ग कहलाता है, और किसी शब्द के बाद लगने वाला शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। इंग्लिश में उसे प्रीफिक्स और सफिक्स कहा जाता है। प्रीफिक्स कम्स बिफोर रूट वर्ड। प्रीफिक्स जो होगा, उपसर्ग जो होता है, हमेशा रूट वर्ड के पहले ए लगता है, और सफिक्स जो होता है कम्स आफ्टर रूट वर्ड, वो हमेशा रूट वर्ड के बाद लगता है, वो उसके बाद आता है। ठीक है, रूट वर्ड किसको कहेंगे? रूट वर्ड अर्थात मूल शब्द, अ वर्ड दैट गिव्स कंप्लीट सेंस इटसेल्फ, एक ऐसा शब्द जो अपना अर्थ स्वयं प्रकट करता है, जिसका एक अर्थ होगा, उसको बोलेंगे हम लोग रूट वर्ड। एग्जांपल देखें तो इसको यहाँ मैंने प्रीफिक्स को पी से, रूट वर्ड को आर डब्ल्यू से, और सफिक्स को एस से डिनोट किया है। और कैसे प्रीफिक्स और रूट वर्ड मिलकर एक नया शब्द बनाएंगे, और सफिक्स और रूट वर्ड एक मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। जैसे फ्रेंड हमारा क्या है, रूट वर्ड है, और रूट वर्ड में अन हम लगा देते हैं। फ्रेंड के ठीक पहले हमने क्या यूज किया, अन का यूज किया है, तो एक नया शब्द क्या बन गया, अनफ्रेंड। तो अनफ्रेंड हमारा न्यू वर्ड हो जाएगा, और अन हमारा क्या है, प्रीफिक्स है, और फ्रेंड हमारा, ठीक है, फ्रेंड हमारा क्या है, रूट वर्ड है, अन हमारा प्रीफिक्स है, और इन दोनों के योग से क्या बनता है, अनफ्रेंड बन जाता है। तो ये हमारा न्यू वर्ड है। इसी प्रकार फिर से दूसरा एग्जांपल देखिए, फ्रेंड हमारा जो कि रूट वर्ड है, अब इसमें फ्रेंड जो शब्द है उसके बाद हम नए वर्ड का यूज कर रहे हैं, नए वर्ड को इसमें जोड़ रहे हैं। तो क्या होगा, फ्रेंड में अगर मैं शिप जोड़ता हूँ तो फ्रेंड शब्द के बाद आने वाले शब्द क्या कहलाता है, सफिक्स कहलाता है। तो फ्रेंड और शिप दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो नया वर्ड क्या बनता है, फ्रेंडशिप का निर्माण होता है। तो इस प्रकार फ्रेंडशिप एक न्यू वर्ड है, और अनफ्रेंड हमारा क्या है, न्यू वर्ड है। और इसमें रूट वर्ड क्या था, फ्रेंड था। एक में हमने प्रीफिक्स का यूज किया अन का, और एक में हमने सफिक्स का यूज किया शिप का। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नए वर्ड की प्राप्ति हमको हो जाती है। आइए कुछ अन्य एग्जाम्पल के द्वारा भी इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझें। सबसे पहले मैंने प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड के कॉम्बिनेशन से एक नए वर्ड का निर्माण किया है। आप देखेंगे जब अन के साथ रियल के साथ अन जुड़ा है, रियल के ठीक पहले जब अन जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, अनरियल। रियल का मतलब वास्तविक, और अनरियल का मतलब क्या होता है, अवास्तविक। तो यहाँ देखिए रियल में अन जोड़ जाने की वजह से नया वर्ड का निर्माण हुआ अनरियल, न्यू वर्ड का निर्माण हुआ अनरियल, जो कि एक दूसरे के कहीं ना कहीं एक ऑपोजिट मीनिंग देते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब प्रीफिक्स रूट वर्ड में जुड़ जाता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसी प्रकार पॉसिबल है, पॉसिबल में अगर इम जुड़ गया है तो क्या बना, इम्पॉसिबल। पॉसिबल मतलब संभव, और इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है, असंभव। इसी प्रकार लाइक के ठीक पहले अगर डिस लग गया तो क्या हो गया, डिसलाइक। या वांटेड के ठीक पहले अन लग गया तो क्या हो जाता है, अनवांटेड। अनवांटेड एक न्यू वर्ड बना है। अपीयर, अपीयर के ठीक पहले डिस का अगर प्रयोग कर दिए हैं तो डिसअपीयर। अपीयर मतलब प्रकट होना, और डिसअपीयर का मतलब गायब होना। लाइक का मतलब पसंद करना, और डिसलाइक का मतलब नापसंद करना। वांटेड का मतलब चाहना, और अनवांटेड का मतलब नहीं चाहना। ठीक है, इसी प्रकार बिहेव, बिहेव का मतलब व्यवहार होता है, और मिसबिहेव का मतलब क्या होता है, दुर्व्यवहार होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक अपोजिट मीनिंग भी देते हैं। यूज, यूज के ठीक पहले मिस का उपयोग हुआ है तो फिर क्या हो गया, नया वर्ड मिसयूज। वीयूज मतलब उपयोग करना, और मिसयूज का मतलब क्या होता है, दुरुपयोग करना हुआ। टॉलरेंस, टॉलरेंस और इनटॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब होता है सहना, और इनटॉलरेंस का मतलब क्या होता है, असहनीय, मतलब एक तरह से बर्दाश्त के बाहर आता है। ठीक है, रिलेवेंट और उसके ठीक पहले अगर इर का प्रयोग हो गया है, इर का, आई आर का हम प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, इररिलेवेंट हो जाता है, इररिलेवेंट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप देखते हैं कुछ प्रीफिक्स हैं। प्रीफिक्स में मैंने क्या कर दिया है, उस प्रीफिक्स को मैंने रूट वर्ड के ठीक पहले उपयोग किया है, और एक नए शब्द का मैंने यहाँ निर्माण करके आपको एग्जाम्पल बताया है। इसी प्रकार अगर रूट वर्ड में, रूट वर्ड के ठीक बाद हम कुछ नए शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता ना, तो रूट वर्ड में सफिक्स जोड़ेंगे, रूट वर्ड के बाद उपयोग होने वाला शब्द क्या कहलाएगा, सफिक्स कहलाता है, जिसका अपना मीनिंग नहीं होता। तो
इन दोनों के योग से भी एक न्यू वर्ड का निर्माण होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे फ्रेंड है तो फ्रेंड में अगर शिप जोड़ते हैं तो ये क्या बन गया, फ्रेंडशिप हो जाता है। इसी प्रकार फ्लैग है, फ्लैग में शिप जोड़े तो फ्लैगशिप हो गया। हार्ड है तो हार्ड में शिप जोड़े तो हार्डशिप हो गया। वास है, उसमें एबल सफिक्स जुड़ गया तो वॉशेबल हो गया। फॉर्चुनेट है, उसमें एल वाई जोड़ दिए तो फॉर्चुनेटली हो गया। स्लो है, उसमें हम एल वाई जोड़ देते हैं तो स्लोली हो जाता है। स्टेट है, उसमें हम एम ई एन टी सफिक्स जोड़ दिए, मेंट जोड़ देते हैं स्टेट में, वो स्टेटमेंट हो गया। इसी प्रकार जॉय है, जॉय में फुल सफिक्स जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, जॉयफुल। ठीक, तो ये आपके जो रूट वर्ड हैं उसमें अगर उसके बाद रूट वर्ड के बाद अगर किसी प्रकार के न्यू सफिक्स जोड़ेंगे तो एक नए शब्द का हम निर्माण करते हैं। अगर आपको प्रीफिक्स और सफिक्स का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है तो आपके लिए कुछ होमवर्क हैं, जैसे डॉग्स है, री रीड है, यूनिफॉर्म है, पैकेज है, मैरिज है, री राइट है, रिविज़न है, कंस्ट्रक्शन है, डिसरिस्पेक्ट है, मिसफॉर्च्यून है, क्विकली है, बेसलेस है, हैप्पीनेस है, फियरलेस है, काइंडनेस है, कलरफुल है, पनिशमेंट है, जॉबलेस है और पेनफुल है। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें किस प्रकार के सफिक्स या प्रीफिक्स का यूज़ किया है और इसमें रूट वर्ड क्या है। तो आई होप आपको संपूर्ण कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये क्लास 9th का एक टॉपिक है, क्लास 10th में भी इसके कुछ पार्ट्स हैं जो एक्सरसाइज है। आपको क्लास और 9th-10th के अगर बेस पे हैं स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे रिलेटेड जो भी वीडियो है आपको प्राप्त हो सके। ये क्लास 9th और क्लास 10th जो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड है उसके जितने भी तमाम वीडियो हैं इस चैनल पर उपलब्ध होंगे। अगर आप इसके स्टूडेंट हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके बेस को और आपको अच्छे मार्क्स के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।